तो नमस्कार, आज का मिथुन राशि वालों का बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि का कैसा रहने वाला है दिन। आइए विस्तार से वीडियो में जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आपके राशि के हिसाब से। मिथुन राशि का दिन तो बहुत ही अटपटा होने वाला है दोस्तों, आइए जान लेते हैं विस्तार से। मिथुन राशि वालों का आज का दिन व्यापार में उलझन और परेशानियों वाला रहेगा। काम धंधे को बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता रहेगी। कारोबार में कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है, संयम और समझदारी से काम लेना होगा। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों पर आज पूरे दिन काम को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। इस राशि के लोगों को अपने विरोधियों के साथ करीबी और भरोसामंद लोगों से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन का माहौल क्या रहने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी विषय में मतभेद हो सकता है, लेकिन समझदारी से मिल बैठकर कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा या राजनीतिक स्पर्धा में आपको विजय प्राप्त होगी। संयम काल से लेकर रात्रि का समय किसी मांगलिक समारोह में व्यतीत होगा। आज आपकी सेहत की बात करें तो ज़्यादा कामकाज की वजह से हाथ पैर में दर्द की शिकायत देखी जा सकती है। सुबह सैर व व्यायाम करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा दोस्तों। दोस्तों आपके शुभ कलर की बात करें तो ब्लू कलर, नीला कलर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि नीला कलर बहुत ही किस्मत से मिलता है और आज मिथुन राशि के भाग्य में है। तो आप भगवान के सीधे सीधे अवतार या आशीर्वाद कह सकते हैं नीला कलर को। कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं या कोई पुराना काम अधूरा है तो आज सारे काम सफल होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों आज नीला कलर वाले अपने सभी कार्य को शुरुआत कर लें, आज आपका काम सफल हो सकता है और पुराने काम भी सफल हो सकते हैं, उनको भी स्टार्ट कर दें। दोस्तों अब हम उपाय की ओर चलते हैं, आज का उपाय जान लेते हैं। अगर कुछ अनहोनी होती है तो क्या उपाय करना है। भाग्य वृद्धि के लिए हनुमान जी के सामने एक जल का पात्र रखें और 21 दिन तक हनुमान बहु का पाठ करें। पाठ के बाद हर रोज जल को ग्रहण करें और दूसरे दिन दूसरा जल रखें। ऐसे ही रोजाना राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।